नीतू कपूर से शादी नहीं बल्कि उन्हें केवल डेट करना चाहते थे ऋषि कपूर। लेकिन आज बॉलीवुड को कई हिट और सुपरहिट मूवीज देने वाले ऋषि कपूर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में ऋषि और उनकी पत्नी नीतू कपूर मोस्ट आइकॉनिक ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कपल हैं और दोनों को अक्सर ही लोगों ने पसंद किया है। ऐसे में शादी के 39 सालों से बाद भी दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब नजर आती है और आज तक दोनों एक दूसरे का बखूबी साथ निभा रहे हैं। आज भी ऐसे दौर आते हैं जब ऋषि नीतू की तारीफ करते थकते नहीं हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्मों में काम के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और ये कपल शादी के बंधन में बंध गया। वहीं इस कपल की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी दरअसल ऋषि और नीतू ने साथ में कई फिल्में की हैं और दोनों जब भी स्क्रीन पर आते थे तो जादू बिखेर देते थे। ऐसे में फिल्म के सेट पर दोनों ने काफी टाइम साथ बिताया लेकिन दोनों कभी भी अट्रैक्ट नहीं हुए। वहीं ऋषि कपूर को नीतू से प्यार का एहसास तब हुआ जब वे फिल्म बारूद के शूट के चलते कुछ दिनों के लिए उनसे दूर हुए। जी दरअसल उस दौरान ऋषि कपूर शूटिंग के लिए पेरिस गए थे और वहां वो बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। 2 से 3 दिन में ही ऋषि को इस बात का एहसास हुआ कि वो नीतू से प्यार करते हैं। जी हाँ, वहीं उसके बाद पेरिस से ऋषि ने नीतू को टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम में ऋषि ने लिखा था, ये सिखानी बड़ी याद आती है। इस बात को पढ़कर नीतू कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपनी खुशी किसी से छुपा नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने टेलीग्राम उठाकर यश और पामेला चोपड़ा का दिखाया लेकिन उस समय ऋषि ने नीतू से अपने प्यार का इजहार तो कर दिया था लेकिन वो कमिटमेंट से डरते थे। खबरों के मुताबिक उन्हें शादी एक जिम्मेदारी लगती थी और उस समय वो शादी के लिए तैयार भी नहीं थे। उसके बाद रिलेशनशिप के दौरान ऋषि ने नीतू से कहा था, मैं सिर्फ तुम्हें डेट करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। आपको बता दें कि ऋषि कपूर की बहन ने दोनों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं ऋषि कपूर एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे और उनकी बहन ने चुपके से दोनों के परिवारों को इस शादी में इनवाइट किया था। वहीं दोनों के परिवार उनके रिलेशनशिप के बारे में जानते थे और परिवार वालों ने उसी समय दोनों की सगाई करने का फैसला किया। उस समय ऋषि कपूर के पास नीतू को पहनाने के लिए अंगूठी भी नहीं थी तो उन्होंने अपनी बहन से अंगूठी लेकर नीतू को पहना दी थी। उस दौरान नीतू कपूर ने फिल्म झूठा कहीं का के डायरेक्टर की अंगूठी ऋषि कपूर को पहनाई थी और फिर दोनों की शादी हो गई।